हेलो दोस्तों, आज के पहले तक हम लोगों ने 7 लेक्चर कंप्लीट किया हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। और पिछला जो वीडियो था उसमें था हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस। आज हम लोग बहुत सारा चीज कवर करेंगे, ठीक है, और बहुत इन डेप्थ स्टडी होगा, ठीक है। जिन्होंने पिछला वीडियो देखा है या फिर जिन्होंने 7 वीडियो देख लिए हैं पहले, वही इस वीडियो कंटिन्यू करो। कोई फायदा नहीं है सीधे इस वीडियो में जंप करने का, कुछ समझ में कभी कभी आएगा, कुछ नहीं आएगा तो फिर अच्छी बात नहीं है। तो पहले जाकर के पीछे की वीडियो को पहले देख लो अच्छे से, तब जाकर के यहाँ पर चीजें समझ में आएंगी। और जिन्होंने कंटिन्यू देखा है, सीरीज को कंटिन्यू किए हो, वो आगे कंटिन्यू कर सकते हो। आज हम लोग कवर करने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, हमको ये आज कवर कर देना है, ठीक है, खत्म कर देना है। और कोशिश करेंगे अर्थिंग वगैरह को भी आज निपटा ही दें, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से देखना, स्पीड नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है, पिछले क्लास में थोड़ा स्लो ही पढ़ाए थे, आज भी इसमें। और जो इसमें बहुत सारा आज फिर से पिक्चर वगैरह आने वाले हैं, उन सारे पिक्चर को रीड्रॉ करो, ठीक है। इवन बोर्ड पर तो ड्रॉ कर ही रहे करेंगे ही, ठीक है। पीडीएफ पूरे के पूरे जो भी कंटेंट आज मिलेंगे एज इट इज, जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस का मिला था टेलीग्राम ऐप पे, इसका भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत। चलो शुरू करते हैं, कुछ कुछ बात बात कर लेते हैं पहले कि हम लोगों ने रिकॉल कर लेते हैं, है ना। सबसे पहला चीज है हमारे पास, कुछ कुछ पॉइंट्स हैं यहां पर। सबसे पहला बात है कि पोटेंशियल, है ना, ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है, क्यों के कारण पॉइंट चार्ज पोटेंशियल क्या होता है। मान लेते हैं यहां पर क्यू चार्ज है, इससे किसी आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है, के क्यू अपॉन आर, ठीक है। जब हम वीडियो बना रहे थे ये ट्रैक्टर वाला जाने करते हैं, हद हालत है, कंट्रोल कर लेना यार थोड़ा सा, ठीक है। तो यहां पर सपोज करते हैं कि अगर मैंने एक प्लस चार्ज रखा है, यहां पर पोटेंशियल क्या बनेगा, के क्यू अपॉन आर किसी आर डिस्टेंस पर, ठीक है। सिमिलरली अगर हम कह दें कि ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज, है ना, मान लेते स्फेयर पे हमने कुछ चार्ज एक्यूमुलेट करवा दिया है, तो भी हमारा पोटेंशियल सेम बनता है एज कि हम समझते हैं कि सारा चार्ज हमारा सेंटर पर लाई करता है, है ना, सोच लेते हैं हम ऐसे, ठीक है, क्योंकि आता ही वही चीज, यहां से कंडीशंस आर है तो यहां पर पोटेंशियल अगेन मिलता है के क्यू अपॉन आर। हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि पूरा का पूरा जो स्फीयर है उसके ये पूरा चार्ज है उसके सेंटर पर है, तो उसे यहां पोटेंशियल निकाल लेते हैं के क्यू अपॉन आर, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा बात हम लोगों ने सीखा था, कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बार हो गए, पक गए हो गए तुम अंग्रेजी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, ना, कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जीरो होता है, कोई भी कंडक्टर के अंदर में कोई फील्ड नहीं होता है, क्योंकि सारा चार्ज सरफेस पर आ जाता है। और जब सारा ही चार्ज सरफेस पर आ चुका है तो ये हमारा जो पूरा का पूरा कंडक्टर है ये हमारा बन जाता है इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम, क्या बनता है, इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम बन जाता है, यानी कि हर जगह पे पोटेंशियल सेम हो जाता है, ठीक है। और ये जो सरफेस होता है इस कंडक्टर का, इस सरफेस को हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, सरफेस ऑफ द कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना। और इसके बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह कारण जो सरफेस बनेगा वो भी हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है, वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो इसमें नहीं आता है तो भाई पहले ही लेक्चर नंबर 7 जाके देख लो, ओके। अब आगे बात करते हैं, यहां तक समझ में आ चुका है सबको बात, और इतना सबको पता होना चाहिए, बस हमें रिकॉल कर दिए। तो हमारा पूरा का पूरा कंसर्न पिछले लेक्चर से कंडक्टर के ऊपर है, और आज कंडक्टर पर ही बहुत सारी चीजों को स्टडी करेंगे। तो सपोज करते हैं ये कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर में हम समझ चुके हैं कि हर जगह मान लो इसके ऊपर प्लस चार्ज रखे हैं, ये प्लस चार्ज इसके ऊपर रिसाइड कर जाता है, पूरे के पूरे सरफेस पर आ जाता है, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। तो कोई भी कंडक्टर, है ना, याद है, कॉपी कर लो पहले इसको, है ना, जल्दी से कॉपी कर लो, हो गया, कॉपी हो गया, जल्दी से कॉपी करो।
ठीक है आगे बढ़ते हैं। इतनी बात तो सबको पता ही होगा, ठीक है, बस एक छोटा सा नोट कर करके सबको लिख लिया करो बगल में, और कुछ है नहीं इसमें। सबसे पहले हम बात करते हैं कोई भी कंडक्टर है, मान लेते हैं कि कोई भी रैंडम सा बॉडी शेप का कंडक्टर है, ठीक है, ये, या फिर कोई स्फेयर है ना, तो हर समय जो चार्ज इसके ऊपर आ जाता है वो इसके सरफेस पर आता है, और इस तरह से आता है कि जहां पर शार्प एज होते हैं वहां पर ज्यादा चार्ज एक्यूमुलेट करते हैं, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा अजीब तरीके से रहता है, मतलब ये सबको पता है ना, यहाँ पर लोकल रेडियस कम यानी सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, इसके हिसाब से यानी कि आर बढ़ेगा सिग्मा घट जाएगा, और अगर आर छोटा यानी छोटा रेडियस ये वाला, ये लोकल रेडियस जितना छोटा होगा उतना ही ज्यादा चार्ज वहां पर आ जाएगा, और यहां पर देखो लोकल रेडियस कितना बड़ा है ना, इसका रेडियस इतना बड़ा है इसलिए यहां पर चार्ज कम है, समझ में आ गया बात। उसी तरह से फ्लैट सरफेस अगर रहेगा तो उसके ऊपर चार्ज एक्यूमुलेट नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। सिमिलरली अगर हम बोलते हैं कंडक्टर, भाई कंडक्टर पे तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, क्योंकि ये तो हर जगह से एक ही सेम रेडियस बनेगा, तो हर जगह पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला बात क्या सीखे कि कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, कंडक्टर हमारा इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम होता है, कंडक्टर का सरफेस खुद इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, और जो इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो है, ठीक है। और सेकंड अगला बात क्या सीखे कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो आर के इनवर्स प्रोपोर्शन के हिसाब से चलता है, यहां तक समझ में आ गया है सबको बात, अगर चार्ज रहेगा तो इस तरह से काम करेगा, ठीक है ना। तो अब आगे बात करते हैं, यस कर दे, ठीक है। अब मान लेते हैं कि मेरे पास एक कंडक्टर है और उसको हमने, है ना, ध्यान सुनना, एक कंडक्टर है इसको हमने, ये भी यही है कंडक्टिंग बॉडी है ऐसे, ठीक है, इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सपोज कर दिया है, ऐसे बाहर से कोई से इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे ऐसे जा रहा था, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इसको एक्सपोज कर दिए, ऐसे रख दिए इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में लाकर इसको जैसे रखे, तो ये कंडक्टर के बारे में छोटी सी बात सबको याद रख लेना चाहिए, अब तक तो भाई याद हो गया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है अंदर में जीरो, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अपने अंदर से ये पास नहीं करने देगा, पहला बात तो ये हो गया, ठीक है, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कभी नहीं हो सकता, कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी नहीं हो सकता, और ये कंडक्टर अभी शुरुआत में हमने न्यूट्रल रखा था, ठीक है, न्यूट्रल कंडक्टर था, तो ये कैसा है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब इसका जो नेट चार्ज है वो जीरो है, ठीक है, नेट चार्ज अभी जीरो है, तो कंडक्टर का पहला प्रॉपर्टी तो यहां पर होल्ड किया कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि नहीं हो नहीं सकता, क्योंकि कोई भी चार्ज अंदर में डिसाइड कर नहीं सकता, इसके बारे में डिस्कशन हो चुका है। अब अगला बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा क्या इसके लिए, तो करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जब था तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो शुरुआत में जैसे ही ये कंडक्टर है तो घुसेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आएगा ही अंदर में, जैसे ही अंदर में जाएगा, ध्यान सुनना मेरी बात करके, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जाएगा ही, ऐसा नहीं कि नहीं जाएगा, हम तब बोलते हैं ये बात जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन हो जाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन अचीव हो जाए, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन अचीव नहीं हुआ है तब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में होता है, ये हम पहले भी बता चुके हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में घुसा है तो वो क्या करेगा, इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को यह अपनी तरफ खींचेगा कि नहीं खींचेगा, फोर्स लगाएगा, जिसके कारण से कुछ चार्जेस इस साइड आने लगेंगे, ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ दिखेगा तो सिमिलरली हमको, क्योंकि नेट चार्ज इधर की तरफ ज्यादा आ चुका है तो नेट कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज हमको इधर दिखने लगेगा, तो यानी कि हम ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ इंड्यूस्ड चार्ज हमारा इस सरफेस पर ऑब्जर्व होने लगेगा, इंड्यूस हुआ है चार्ज, हम लाए नहीं है, देखो अपने आप खिंचा गया चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड के चक्कर में, फोर्स लगेगा क्यू ही, और जैसे इधर की तरफ खिंचाने लगेगा और इस पर ये आ जाएगा इसे, और सिमिलरली यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा, जिसके बाद ये हो रहा है ना, ये तब तक होते रहेगा जब तक कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो जाए,
ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जीरो ना हो जाए, और उस जब जीरो हो जाएगा तब कोई भी चार्ज का मूवमेंट ना इधर होगा ना इधर होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि ये निगेटिव चार्ज है तो उसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जाने लगेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस पे परपेंडिकुलर हिट करके इंटर करेगा, क्योंकि कंडक्टर के पास परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड ही जाता है। यह बात सबको समझ में आता है, ये ऐसे जा करके हिट करेगा उसको, फिर जो ऐसे जा रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे जाएगा। और यहां पर भी प्लस है, ये प्लस वाला से क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड अब ये प्रोड्यूस करेगा परपेंडिकुलर ऐसे, है ना, ये परपेंडिकुलर ऐसे, और यहां से भी एक परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल जाएगा, सारे सरफेस से परपेंडिकुलर। तो यानी कि अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमने कोई कंडक्टर को एक्सपोज किया है, रख दिया है, तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उसके ऊपर कुछ चार्ज इंड्यूस हो गए, यहां पर निगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो चुका है। ये कैसे हुआ, पूरा का पूरा कहानी समझ में आया। इलेक्ट्रिक फील्ड शुरुआत में जीरो नहीं था अंदर में, इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करने के लिए यहां पर इंड्यूस चार्ज ऑब्जर्व हुआ है, इंड्यूस चार्ज हमको दिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर जो सबसे पहला बात तो पॉइंट में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी अंदर में पेनिट्रेट नहीं करता है, और सेकेंड बात लिखा है कि दे आर कंसील्ड बाय आउटर चार्ज इंड्यूस्ड एट द सरफेस, यानी कि सरफेस पर जो आउटर चार्ज इंड्यूस हो रहा है उसने क्या किया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को खत्म कर दिया। कोई दिक्कत, समझ में आ गया मेरा बात, कॉपी करो। तो अभी हम लोगों ने देखा ये कंडक्टर था, उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सपोज कर दिया था। अभी हम एक कार काम करते हैं कि मान लेते हैं कि मेरे पास एक कंडक्टर है और इसके अंदर में छोटा सा कैविटी हमने तैयार किया है, ठीक है, कुछ ऐसा फ्रूट खरीदे अंदर में वो सड़ा हुआ है, समझा है बात, अंदर में हमने कैविटी तैयार किया, मतलब खाली जगह है, कुछ ऐसा स्पेस है, और अब हम चाहते हैं कि इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने पेनिट्रेट करना, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम ऐसे रख दिए। अब क्या हो, अभी भी कुछ चार्ज इधर इंड्यूस होंगे ऐसे, इधर पर भी चार्ज इंड्यूस होगा ऐसे, और फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ऐसे दिख रहा है, जी जो दिख रहा है गलती से, ठीक है, यहां से भी ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हीट करेगा और यहां से भी ऐसे बनने लगेगा। अब पूछोगे ये भाई सर यहां तक तो बता दिए थे, अभी क्या कौन सा बड़ा कमाल कर दिया, हाँ कमाल किए, यहां पर हम एक कैविटी तैयार किए हैं। तो कैविटी मतलब अंदर में, ये मेटल कंडक्टर है, ये पूरा का पूरा कंडक्टर है, ये भरा हुआ पीस है, ये हम जानना चाहते हैं कि कैविटी होने के बाद क्या कमाल का प्रॉब्लम आएगा, हम ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं क्या कैविटी होने के वजह से कहीं इधर इस सरफेस पर कुछ निगेटिव चार्ज अपीयर होगा क्या, क्योंकि खींच रहा है तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर भी आने चाहिए, कुछ पॉजिटिव चार्ज इधर भी आना चाहिए, एज्यूम करते हैं अगर मान लेते ऐसा कुछ हो रहा है। तो सबसे पहला बात, कुछ चीज के बारे में हमको दिमाग में रख लेना है कि हमारा जो बेसिक सब चीज है, एक है गॉस लॉ, क्या है गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या कहता है कि जो फ्लक्स होता है वो होता है इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट ऑफ डी ए वेक्टर, जो कि कहता है क्यू जो भी इनक्लोज्ड होगा बाय एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। अगर मान लो हम कह दें, अगर हम कह दें इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जीरो है, अगर हम कह दें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो हम क्या कर देंगे, अंदर में Q जो भी नेट होगा, जो भी इनक्लोज्ड होगा वो भी जीरो होगा। यानी कि अगर अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, अगर हम कह रहे हैं अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता, तो Q इनक्लोज्ड भी जीरो हो जाएगा। हम एक काम करते हैं, किसी भी जगह पर हमें गॉसियन सरफेस बनाते हैं, यहां पर एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं, तो हम इस गॉसियन सरफेस के बारे में क्या बोलेंगे, भाई इस गॉसियन सरफेस से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं करेगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं करेगा तो अंदर में क्यू नेट हमारा जीरो होना चाहिए, ठीक है क्यू नेट जीरो है। तो एक काम करते हैं ना सर, यहां पर प्लस में सॉरी यहां माइनस में क्यू आई था ना, आया हुआ यहां पर भी प्लस में क्यू आई आया था, हम एक काम करते हैं कुछ निगेटिव चार्ज यहां पर लेके आते हैं और उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहां पर ला देते हैं। सर अभी भी तो नेट चार्ज जीरो है, मान लेते यहां पर माइनस में क्यू चार्ज आ गया, यहां पर प्लस में क्यू चार्ज आ गया, तब क्या ऐसा पॉसिबल है, देखते क्या ऐसा चीज पॉसिबल है, ध्यान सुनना मेरी बात को, क्या हम ऐसा अभी भी
फिर से सुनना मेरी बात, तो हम क्या क्या बोल गए। हम जानते हैं गॉस लॉ से ये सारी चीजें कि क्यों जो भी फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ये पढ़े हो ना, वो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ऑफ डीए वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, ये वेक्टर में लिखा हुआ क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अगर हम कह दे कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, तो हमको पता है कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, तो क्यू जो भी नेट होगा कंडक्टर के अंदर में होगा ही नहीं, क्योंकि अंदर में कोई भी नेट चार्ज नहीं होगा, तो नेट चार्ज नहीं होना चाहिए। चार्ज तो हो सकता है ना सर, कर देते हैं तो हम एक काम करते हैं माइनस क्यू यहां कर देते, प्लस क्यू का जोड़ करके जीरो हो गया। अभी भी अभी भी साफ दिख रहा है कि माइनस क्यू और प्लस क्यू ये दोनों मिलकर के जीरो हो रहा है, ठीक है, ये बात हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। चलो ठीक है, देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। इस सिचुएशन में हम लोग को पता है कि प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है और माइनस में टर्मिनेट करता है, तो ये प्लस वाले से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल करके माइनस में टर्मिनेट कर गया होगा, किया होगा कि नहीं किया होगा, बात नहीं सुन रहा। हम कह रहे हैं कि ये प्लस से निकल करके माइनस में टर्मिनेट कर रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। सिमिलरली इस प्लस से, ध्यान सुनना मेरी बात को, इस प्लस से ऐसे पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जाना पड़ेगा इसको, ऐसे जो हम ये बोले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान सुनो मेरी बात को। हमको पता है कि प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है माइनस में टर्मिनेट करता है, तो प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से भी निकल रहा होगा और इधर से भी निकल रहा होगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि भाई चलो अंदर में आप ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इस गॉसियन सरफेस को पार कर सकता है क्या, गॉसियन सरफेस से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो आप कह रहे हो कि ये है नहीं, ये पॉसिबल है नहीं, ये बन सकता है क्या ये वाला, नहीं, तो सिर्फ इतना पॉसिबल है क्या, नहीं, ठीक है, ये वाला है पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, एक और काम कर सकते हैं, चलो आप ये नहीं बना रहे हो तो आप एक काम करो कि इसका डायरेक्शन ही बदल दो, ऐसे कर दो, ये पॉसिबल है, ये भी नहीं पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक लूप नहीं बना सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड लूप नहीं बनाता, पहला प्रॉब्लम यही है। दूसरा प्रॉब्लम यही है कि निगेटिव चार्ज कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालता नहीं है, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई नेट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में दिख रहा है जी, नहीं आ रहा समझ में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में इस वाले गॉसियन सरफेस से ये पार कर गया है जो कि पॉसिबल यहां पर नहीं है। समझ में आ गया मेरी बात को, ये प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके निकल करके ऐसे जा रहा था, इसलिए ये तो हो नहीं सकता, और जब ये हो नहीं सकता तो ये भी नहीं हो सकता, इसीलिए अंदर में ये दोनों भी पॉसिबल नहीं है, यानी कि बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कैविटी के अंदर में कोई भी चार्ज इंड्यूस नहीं होगा। कोई दिक्कत है, ये बात समझ में आया कि नहीं आया, तो लिख लो पहले छोटा सा पॉइंट है ना यहां पर कि नो चार्ज इंड्यूस्ड, लिख लो यहां पर नो चार्ज इंड्यूस्ड है ना, इसे करके नो चार्ज इंड्यूस्ड इनसाइड द कैविटी ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है उसका भी रहने दो, उसको कोई मतलब है नहीं, धीरे धीरे करके वहां तक पहुंच जाएंगे, बस जर्नी देखो क्या क्या हम बताते जा रहे हैं, एक चीज को बताते जा रहे हैं, सारे पॉइंट्स को लिखते जाओ कि अगर कोई भी चार्ज इंड्यूस नहीं होगा कैविटी के अंदर में ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इज इट ओके, कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी करो जल्दी से, ठीक है। हो गया कॉपी, जल्दी कॉपी करो। सपोज कर लेते मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, यहां नहीं बनाते हैं, पिक्चर डालने में बहुत दिक्कत हो जाता है जी, नीचे बनाते हैं तो है ना, सपोज करते यही हमारा कोई कंडक्टर है ना, और इसके अंदर में हमने कैविटी बना दिया है ऐसे, ठीक है, एक कैविटी बना दिया और इस कैविटी के अंदर में हमने एक चार्ज क्यू डाल दिया, प्लस क्यू चार्ज डाल दिया। इस बार क्या है, इस वाले कंडीशन में प्लस क्यू
चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड द कैविटी। अभी तक हम लोगों ने क्या किया था कि पूरे सिस्टम को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सपोज किया था। अभी कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, अब जो भी चार्ज है वो अंदर में है। अब देखते हैं इसका कारण क्या क्या होगा। दो तीन चीज जो हमको पता है, पहले तो मोटा मोटी बात समझते थे हम भैंस की तरह जो भी है ना, नॉर्मल दिमाग लगा दे भाई। ये प्लस चार्ज है, ये क्या करेगा इस कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स को, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा शुरुआत में जब होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर लेगा, फाड़ चीर कर उसे क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, इसके जो भी निगेटिव चार्ज होंगे उसको ऐसे निगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा ये, और ऐसा खींचेगा कि सारा निगेटिव चार्ज है ना, सारा निगेटिव चार्ज यहां पर हमको दिखने लगेगा ऐसे इस सरफेस पर ऐसे बहुत सारा, और ये तब तक दिखते रहेगा जब तक कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना करवा ले, यानी कि सारा इलेक्ट्रॉन जो भी है इसके पॉजिटिव चार्ज से निकले हुए इलेक्ट्रिक फील्ड को सोख लेगा। समझ में आया मेरा बात, जितना ये जनरेट कर सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड वो सब इसने कंज्यूम कर लिया, और तब तक करते रहेगा जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो जाए बाहर में। अब देखो दिक्कत क्या होगा कि जितना इसने प्लस चार्ज जनरेट किया है, हम मान लेते हैं कि यहां पर इसने कुछ क्यू वन चार्ज लेकर गया है निगेटिव में, कितना चार्ज लेकर गया माइनस में क्यू वन चार्ज लेकर गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब एक बात बताओ, ये तो कंडक्टर है ना जी, ये पूरा का पूरा कंडक्टर है, तो कंडक्टर के अंदर का नेट चार्ज क्या है, वो तो जीरो है ना। तो अगर यहां पर माइनस क्यू वन चार्ज आया है और बाहर मान लेते हैं x चार्ज अपीयर हुआ है तो जीरो होना चाहिए, x का वैल्यू क्या होगा q1, यानी कि प्लस में q1 होना चाहिए, यानी कि बाहर में हमको प्लस q1 चार्ज दिखेगा, ठीक है। बाहर में हमको कितना चार्ज दिखेगा प्लस q1, जो कि फिर से उसी तरह से सिग्मा के हिसाब से बैठ जाएगा, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। समझ में आया मेरा बात, यहां तक तो अच्छा लगा सुनने में सर, फिर सुनो मेरी बात को, हम क्या क्या समझा दिए तुमको कि भाई जैसे ही हमने इस कंडक्टर के, मान लेते हैं हमने स्फेरिकल कंडक्टर बनाया, ठीक है स्फेरिकल बनाया और उसके बीच में हमने कैविटी बना दिया है ना, उसके बीच में हमने एक कैविटी बना दिया। अब हम एक काम करते हैं, इसके बीच में हम प्लस में क्यू चार्ज रख दिए, ये प्लस क्यू चार्ज क्या करेगा अपने से होकर के इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनाएगा जी, ऐसा थोड़ा कि नहीं बनाएगा, ये तो बनाना है इसको एकदम पार कर देगा। लेकिन सर इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर से होकर के नहीं पास करता है, ये भी हम जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जीरो होता है लेकिन शुरुआत में नहीं होगा, जब हम जैसे हम इसको इंसर्ट करें किसी तरीके से हम डाल दिए, सटा नहीं है एकदम बीच में इस कैविटी के बीच में किसी तरह से हम डाल दिए, हाइपोथेटिकली सोचो ठीक है डाल दिए इसको, जैसे हम रख दिए ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनने के चक्कर में जो भी निगेटिव चार्ज के रास्ते में आएगा उसको अपनी तरफ खींचेगा, खींचेगा तो उसको यहां तक लेके आएगा, यहां पर भी लेके आएगा, यहां पर भी लेके आएगा, यहां लेकर के आएगा, यहां लेकर के आएगा, यहां लेकर के आएगा, यहां लेकर के आएगा, ताकि सारा इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर सुखा जाए मतलब सारा एब्जॉर्ब हो जाए। वो तब तक होता रहेगा जब तक ये खत्म ना हो जाए, बात समझ में आया, यानी कि बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड एक भी नहीं बना पाएगा, ये कोई दिक्कत है, एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर नहीं जाएगा जिसके बारे में हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में, अब स्टैटिक हो चुका है, अब रुक चुका है, आ चुका है जो भी चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जीरो हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहां पर मान लेते हमने कितना डाला था, प्लस में क्यू चार्ज डाला था, तो यहां पर कितना माइनस में क्यू वन चार्ज आ गया, यहां पर हम ऑब्जर्व किया प्लस में क्यू वन चार्ज आ चुका है क्योंकि कंडक्टर का नेट चार्ज हमारा जीरो है, तो अगर यहां माइनस आएगा प्लस आएगा सेम चार्ज, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब इसको दूसरे तरीके समझते हैं जिससे कि और ज्यादा क्लियरिटी और क्लियर बात समझ में आएगा। दूसरा चीज क्या है, हम एक काम करते हैं क्योंकि हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जीरो है, तो हम गॉसियन सरफेस बनाते हैं, क्या बनाते हैं गॉसियन सरफेस, यहां से बना लेते हैं इसी तरह, वो गॉसियन सरफेस हम कंडक्टर के अंदर बना दिए, ठीक है, तो ये गॉसियन सरफेस हम बना दिए, और गॉसियन सरफेस में हम लिख सकते हैं कि भाई ई डॉट डी ए का वैल्यू क्या लिखोगे, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन E. DA का वैल्यू Q enclosed upon epsilon zero, अब E तो है ही नहीं,
तो क्यू इनक्लोज अंदर में जीरो होना चाहिए, यानी कि इस स्फेयर के अंदर में नेट चार्ज जीरो होना चाहिए। तो नेट चार्ज है कितना, देखो तो प्लस क्यू है और यहां पर माइनस में क्यू वन है, इसका वैल्यू जीरो होना चाहिए, है ना। प्लस क्यू है और माइनस में क्यू वन, इसका वैल्यू जीरो होना चाहिए। तो साफ दिख रहा है क्यू का वैल्यू क्यू वन के बराबर होना चाहिए, यानी कि यहां पर हमको माइनस में ही क्यू चार्ज दिखेगा, यानी कि सिमिलर चार्ज दिख रहा है। कमाल हो गया नहीं जी, यहां प्लस क्यू दिख रहा है, यहां पर माइनस क्यू दिख रहा है, और यहां माइनस क्यू है, तो यहां पर अब क्यू वन के बजाय क्यू दिखेगा। तो फिजिकल सिचुएशन भी समझ में आया और गॉस लॉ के हेल्प से भी हम अब समझ में आ रहा है कि कैविटी के अंदर में अगर हमने प्लस क्यू चार्ज रख दिया है तो इस वाले इनर फेस पे हमको माइनस क्यू चार्ज दिखेगा, सिमिलरली अकॉर्डिंगली यहां पर हमको प्लस क्यू चार्ज दिखेगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यह बात एकदम इजी है, बात समझ में आ गया। सिमिलरली यहां पर भी हम लिख सकते हैं अब कि यहां प्लस क्यू दिख रहा है, यहां पर क्या दिखेगा, सेम माइनस क्यू चार्ज, और यहां पर अब हमको प्लस क्यू चार्ज दिख जाएगा। ठीक है, तो गॉस लॉ का भी हमने यूज कर लिया, फिजिकल सिचुएशन का भी यूज कर लिया। इज दैट ओके, यहां तक समझ में आ गया सबको। अब एक काम करते हैं, यहां तक कॉपी कर लो पहले, ठीक है, या पिक्चर तो आ ही रहा होगा, स्क्रीनशॉट खींच लो जल्दी से, जल्दी से खींचो, पिक्चर करो जल्दी से। हो गया, आज लगता है अर्थिंग भी निपट जाएगा जी। ठीक है, टेंशन नहीं लो, सब हो जाएगा। यहां तक एड्रेस करते हैं तो देख लो, यहां पर बस वही गॉस लॉ लगाए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो कर दी क्योंकि अंदर में जीरो होता है। कोई सवाल हो तो टेलीग्राम पे पूछो, और क्या कर सकते हैं। अब एक काम और करते हैं, ये था कंडक्टर और इसके अंदर में हम एक स्फेरिकल कैविटी बना देते हैं, सॉरी स्फेरिकल कैविटी बनाया, और इस यहां पर हम एक प्लस क्यू चार्ज लेकर के आए हैं, सेंटर पर नहीं इस बार, थोड़ा इधर है। ठीक है, तो ये प्लस क्यू के चक्कर में क्या होगा, सिमिलरली माइनस क्यू चार्ज तो आएगा, सिमिलरली माइनस क्यू चार्ज तो आएगा, लेकिन प्लस क्यू है ये अपने बगल में ज्यादा चार्ज को लेकर के आएगा और डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा अलग तरीके से होगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, थोड़ा अलग तरीके से होगा, ये प्लस क्यू है ऑब्वियसली माइनस क्यू ही चार्ज आएगा, यहां पर प्लस क्यू ही चार्ज आएगा, तो इसके प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा ऐसे, निकलेगा ऐसे परपेंडिकुलर हिट कर दिया, यहां जो निकलेगा वो ऐसे परपेंडिकुलर हिट करेगा, यहां जो जाएगा ऐसे परपेंडिकुलर हिट करेगा, ये ऐसे जाएगा, है ना, यहां से ऐसे जाकर के ऐसे परपेंडिकुलर हिट करेगा। मजा आ गया। ठीक है, तो यहां पर हमको दिख रहा है इस साइड में सिग्मा ज्यादा होगा, सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी, यहां पर चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होगी, यहां पर चार्ज की डेंसिटी कम होगी क्योंकि चार्ज उधर मूव कर गया, लेकिन अभी भी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकला नहीं निकला, जिस कारण से बाहर के चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो उसके सिग्मा के हिसाब से होगा, यहां पर जैसे था पहले वो वैसा ही होता रहेगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, अगर हम इसको हिला भी रहे अंदर में कहीं पर भी रख रहे इस पर कोई इफेक्ट हमको नहीं दिखेगा। सपोज करते हैं हम इसी तरीके से हम एक स्फेयर बना लिए हैं और इसके अंदर में हम एक चार्ज को रख दिए यहां पर प्लस क्यू चार्ज, यहां क्या दिखेगा, माइनस क्यू चार्ज दिखेगा, ज्यादा सिग्मा वाला इधर, यहां पर कम सिग्मा वाला, है ना, ऐसे। ठीक है, और उसी तरह से यहां पर हमको प्लस क्यू दिख जाएगा। ठीक है, लेकिन इस जो तो अगले कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं, सपोज करते हैं मेरे पास यही अभी कोई कंडक्टर था, ठीक है, और हमको पता है कि इसके अंदर में अभी एक कैविटी बना दी है, ठीक है, जिसके अंदर में यहां पर प्लस क्यू चार्ज रखे थे। अभी ये प्लस क्यू चार्ज यहां नहीं रख करके थोड़ा हम इधर रख दिए, है ना, यहां पर सेंटर पर नहीं रख करके थोड़ा इधर रख दिए, ठीक है, और ये स्फेरिकल है, तब बताओ क्या होगा,
इस पर तो ऑब्वियसली माइनस क्यू चार्ज अभी भी अपियर होगा, क्यों होगा, क्योंकि भाई गॉसियन सरफेस बनाएंगे और गॉसियन सरफेस बनाते ही हम अंदर में बोलेंगे कि नेट चार्ज हमारा जीरो है, यहां अगर प्लस क्यू चार्ज आएगा तो इस वाले सरफेस पर यहां पर हमको माइनस क्यू चार्ज दिखेगा, है ना, इस वाले सरफेस पर हमको यहां पर माइनस क्यू चार्ज दिखेगा। तो दिक्कत ये हो कि प्लस क्यू चार्ज अभी सेंटर पर था तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा यहां पर चार्ज का, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा इसको स्लाइड कर देंगे तो इस तरफ के इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा खींच लेगा इधर की तरफ, क्योंकि नजदीक हो चुका है तो फोर्स ज्यादा लगा देगा इलेक्ट्रॉन को, तो वो नजदीक में ज्यादा डेंसिटी हमको इलेक्ट्रॉन का दिखेगा, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी थोड़ी कम होती जाएगी। कोई दिक्कत है? यानी यहां पर सिग्मा ज्यादा होगा, इधर सिग्मा कम होगा, लेकिन बाहर में जो प्लस क्यू बनेगा, देखो प्लस क्यू है माइनस क्यू है, अंदर का नेट चार्ज जीरो, लेकिन इसका तो नेट चार्ज अभी भी जीरो होना चाहिए ना, क्योंकि माइनस क्यू है तो यहां प्लस क्यू होना चाहिए, तो यहां पर प्लस क्यू आएगा, और जब यहां प्लस क्यू आएगा तो वो तो इसके हिसाब से ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि इसका सारा इलेक्ट्रिक फील्ड इसी में खत्म हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न अंदर में कैसा होगा उसको ध्यान ध्यान से, क्योंकि हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड हर समय परपेंडिकुलर कंडक्टर में इंटर करता है, तो बस इसी को लगाओ कंक्लूजन में, ऐसे आएगा परपेंडिकुलर हिट कर गया, ये ऐसे जाएगा ऐसे परपेंडिकुलर हिट कर जाएगा, है ना, ये ऐसे आया परपेंडिकुलर हिट कर गया, परपेंडिकुलर हिट करेगा, परपेंडिकुलर हिट करेगा, परपेंडिकुलर हिट करेगा, दैट्स इट, समझ आया बात। और बाहर में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सिग्मा के हिसाब से होगा, इस वाले का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसके मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चलो अगर हम बात करते हैं कि मेरे पास एक कंडक्टिंग स्फेयर है, ठीक है, क्या है, कंडक्टिंग स्फेयर है, और इसमें हम एक छोटा सा स्फेयर स्फेरिकल कैविटी काट दिए। अब बात करते हैं अंदर में यहां पर चार्ज था, लेकिन चार्ज हम यहां नहीं रख करके हम यहां रख देते हैं प्लस की, यहां पर क्या आएगा, बहुत सारा माइनस चार्ज है, फिर समझ में आ गया नजदीक होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर परपेंडिकुलर हिट करने लगेगा, ऐसे परपेंडिकुलर हिट कर रहा है, ठीक है, यहां पर हो जाएगा माइनस में क्यू, और सिमिलरली यहां पर हमको प्लस क्यू चार्ज दिया, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हमको चार्ज का दिखना स्टार्ट हो जाएगा। फिर से हम बोल रहे हैं कि अंदर के मूवमेंट की वजह से बाहर वाले चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन को कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि सारा इलेक्ट्रिक फील्ड इसने यहीं पर कंज्यूम कर दिया है, तो कोई भी इसके द्वारा जनरेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इन्फ्लुएंस करने के लिए जा ही नहीं रहा, जब जाएगा ही नहीं तो इसको हिलाएगा कौन, जब इसको कोई हिलाएगा नहीं तो ये अपने आप में मार्क करते रहेगा, भाई तुम मेरे से दूर रहो, तुम मेरे से दूर रहो, तो वो सोशल डिस्टेंसिंग यहां पर चलते रहेगा। समझ में आ गया पूरा अच्छा से बात, क्लियर है यहां तक। अब अगर हम बोल दें कि इसका बताओ कि आउट है ना, सिग्मा इनर बताओ अभी क्या होगा, सिग्मा यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया, अंदर में बताओ माइनस क्यू है चार्ज, बाय एरिया का जो 4 पाई, इसका मानते हैं रेडियस है स्मॉल आर और इस वाले का रेडियस है कैपिटल आर, तो 4 पाई आर स्क्वायर, और सिग्मा आउटर क्या बनेगा, प्लस क्यू अपॉन 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। कोई दिक्कत है? ये इस तरह से हमको ऑब्जर्व होता हुआ दिखेगा, ठीक है, कॉपी कर लो जल्दी इसको, ठीक है, स्क्रीन पर आ ही रहा होगा, इसको हटा दे रहे हैं। अब हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि मान लेते हैं कि हम बाहर से कोई फॉरेन चार्ज को लेकर के आ गए, ठीक है, हम बाहर से कोई प्लस क्यू चार्ज को उठा के लाकर किस पर रखे, अगेन इस चार्ज को, ये वाला चार्ज, क्योंकि देखो चार्ज हम यही रखे थे, अभी बाहर से अब चार्ज लेकर के आए हैं, तो ये चार्ज इसके ऊपर कोई इफेक्ट लगाने वाला है नहीं, तो ये चार्ज सिर्फ इसके सरफेस पर अकॉर्डिंगली इंटरसेप्ट हो जाएगा, है ना, आफ्टर प्लस क्यू, है ना, चार्ज बी प्लेस्ड, है ना, आउटसाइड, तब क्या हो जाएगा, सिग्मा जो अंदर में है वो तो अभी वही रहेगा माइनस क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन सिग्मा जो आउटसाइड बनेगा उसमें तो अभी नया चार्ज आ चुका है 4 पाई आर स्क्वायर, ये बन जाएगा, क्योंकि बाहर का चार्ज आया है उसको इन्फ्लुएंस करने वाला ये है नहीं, तो इसको हिलाया उलाएगा भी नहीं कुछ भी, ना भगाएगा कुछ नहीं करेगा, जैसा है वैसे रहने देगा, ये आ जाएगा। कोई दिक्कत है? कॉपी करो, जल्दी कॉपी करो, सिंपल चीजें चल रही है, एकदम इजी इजी बात हो रहा है, ठीक है।
अब जो बोलने वाले ध्यान सुनना, क्या बाहर वाले चार्ज के कारण अंदर वाले चार्ज को कोई इफेक्ट हुआ कि बाहर वाला चार्ज लाए थे अंदर वाला चार्ज हिलने लगा अच्छा डांस करने लगा? नहीं। क्या अंदर वाले चार्ज कारण बाहर वाले कुछ इफेक्ट हो रहा है? नहीं। लेकिन हाँ, बाहर वाले चार्ज को ये जो चार्ज है रिपेल तो करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा, रिपेल तो करेगा। क्योंकि मान लो क्या, शुरुआत में ध्यान समझना नहीं, तो ये कंडक्टर था, खाली था, कुछ नहीं था, इसमें हमने कैविटी बना के रखा था, अभी कोई चार्ज रखे है? नहीं। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखा, यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज तो आया, इस कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा ही, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकालेगा ही, इसे निकाला ही है अभी। लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हम ये बता नहीं सकते कि ये चार्ज सेंटर पर है कि यहां है, क्योंकि ये कहीं पर भी रहे इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न वही रहेगा। एक और बात हम कह रहे हैं कि बाहर से जो भी चार्ज लेकर के आए इस पर, उसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ तो बढ़ जाएगा, मगर वो स्ट्रेंथ इस चार्ज को हिला भी नहीं पाएगा, है ना, ये बात समझ, उसको कोई मैसेज नहीं दे पाएगा, और इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड कर दिया उसको, कवर कर दिया, पैक कर दिया। समझ में आ गया मेरी बात? कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, इसी को बोलते हैं। अब देखो इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या क्या हो सकता है। तो मोबाइल हम सबके पास है, देखो मोबाइल से कवर भी शूट कर रहा है, तो मोबाइल को अगर मान लो घर में सबके पास होगा वो क्या बोलते हैं एल्युमिनियम फॉइल होगा, तो एल्युमिनियम फॉइल से अच्छे से मोबाइल को कवर कर देना, सब कोई घर में जाकर एक बार ट्राई करना इसको, और अपने फोन को अच्छे से रैप कर देना पूरा, ठीक है, उसको रख देना, ठीक है। तो मोबाइल को सपोज करते हम रैप करने के लिए बोल रहे थे, इसका मतलब क्या हुआ कि एक पहले कॉपी कर लो इसको, बताते हैं तो सपोज करते हैं मेरे पास एक ही है एल्युमिनियम फॉइल का एक केस है ना, या फिर मेटल का बॉक्स है, ये क्या है मेटल का बॉक्स है, और इसमें हमने एक मोबाइल को रख दिया है ना, ये मोबाइल है हमारा, इसमें रखा हुआ, ठीक है। अब क्या होगा, हम बोल रहे हैं कि तुम अपने फोन पे कॉल करो, तो कॉल करने का मतलब क्या होता है कि तुम अपने फोन से जो नंबर डायल करते हो, उससे तुम्हारे फोन से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो प्रोड्यूसेस वेव होते हैं वो जनरेट होता है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये पढ़ेंगे, यानी हमको बेसिकली मेरा दोस्ती इस बात से कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसमें, यानी जो वेव जनरेट हुआ है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, और वो जब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जाने की कोशिश करता है तो जा नहीं सकता, क्योंकि ये मेटल केज है, ये क्या है मेटल केज है, और इसमें मोबाइल रखा हुआ है, तो बाहर से जो मैसेज जाएगा वो यहां पर मोबाइल में पहुंच ही नहीं पाएगा, तुम्हारा कॉल नहीं लगेगा, फोन रिंग नहीं करेगा, यहां समझ आए मेरी बात, वो आउट ऑफ रीच बताएगा, कॉल ट्राई करना, ठीक है, और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। कभी कभी मूवी वगैरह में देखते हो गए कि है ना, या तो सिम को उठा करके फेंक देता है, लेकिन फिर भी मोबाइल में एक चीज होता है जीपीएस वगैरह, उससे भी लोकेशन ट्रैक हो जाता है, तो अगर उसको भी पैक करना होता है तो देखते हो गए बहुत सारे लोग मूवी वगैरह में, जो स्पाई वॉल और सब मूवी होता है साउथ, और बोलते हैं क्या अच्छी घटिया फिल्म का नॉलेज है, कुछ साउथ वाला फैन भड़क मत जाना जी, अच्छा फिल्म होता है, ठीक है, ठीक है, सुना, जैसे जेम्स बॉन्ड टाइप की मूवी होती है, मान लो कि उसमें उसको अपने फोन को ट्रैकिंग से बचाना है, तो क्या करता है तुम देखना कि वो फाइल वगैरह से कवर करके रखता है फोन को, या फिर मेटल केज में रखता है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, समझ आ गया, कोई दिक्कत है, मजा आया इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में, कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है तो बताओ, चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद अर्थिंग के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि मेरे पास एक मेटल का कंडक्टर है ना, और इस पर यहां पर हमने एक क्यू चार्ज रखा, ठीक है, क्यू चार्ज रख दिया है, और ये रेडियस आ रहा है, और ये बहुत थिन है, थिन डिस्टेंस हम बना दिए, हमको बताओ इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, है ना, या फिर चलो यहां पर बताओ, सरफेस पर बताओ और आउटसाइड बताओ, है ना, दो तीन जगह बताओ, ए पॉइंट बताओ, बी पॉइंट बताओ, सी पॉइंट पर और डी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ,
ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं कोई डिस्टेंस एक्स है और एक्स को ही वेरिएशन करवाते जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पोजिशन क्या हो जाएगा, ए पोजिशन पर, तो जहां पर बोला इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए वहां पर क्या सीखे थे, गॉसियन लॉ सरफेस बना देते हैं। तो इसके अंदर में क्या बनेगा, अंदर में क्यू चार्ज, अंदर में सिर्फ एक ही चार्ज है क्यू, तो क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन एक्स का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो, क्योंकि ये तो कंडक्टर है, कंडक्टर है ना, ये कंडक्टर है बाबा, ये क्या है कंडक्टर, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। सी पॉइंट सरफेस है, बताओ यहां पर क्या हो जाएगा, यहां माइनस क्यू चार्ज होगा, यहां पर प्लस में क्यू चार्ज हो जाएगा, तो सी पॉइंट पर चार्ज कितना है, प्लस क्यू है, ईएचसी, या फिर हम क्या बोलेंगे, जहां पर बोला है वहां पर एक गॉसियन सरफेस बना दो, अंदर में जितना चार्ज है, अंदर में चार्ज कितना है के, यहां से देखो अंदर में चार्ज क्यू माइनस क्यू और प्लस क्यू अपॉन फोर, सॉरी एक्स का, एक्स नहीं, यहां से यहां तक कंडीशन आर है, आर का स्क्वायर, ये आर बहुत थिन है जी, ये पतला है, ठीक है, दिस इज थिन, थिन कंडक्टर, ठीक है, ठीक होता तो रेडियस अलग अलग लिख देते, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट डी पॉइंट क्या हो जाएगा, जहां पर बोला वहां पर से फिर से नेट लिखेंगे, है ना, तो क्या लिखा है के, अंदर में चार्ज दिख रहा है क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, इस तरह से करके हमको साफ दिख रहा है, ये तो कट गया ना, यानी हो जाए के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर, के क्यू अपॉन एक्स का स्क्वायर आ गया। सपोज करते हैं कि हमने इसी कंडक्टर के ऊपर, है ना, बाहर से एक क्यू चार्ज लेकर के आ गए, बाहर से एक क्यू चार्ज लेकर के आए, और इस कंडक्टर के सेंटर पर हम अभी भी प्लस क्यू चार्ज रखे हैं, तो बताओ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे होगा। सबसे पहले अगर नहीं लाए थे तब क्या था, यहां माइनस क्यू चार्ज आएगा, यहां प्लस में क्यू चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, और अभी बाहर में हमको क्यू चार्ज और दिख गया। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कितना होगा, यहां कितना होगा और सीधे यहां कितना होगा, है ना, ए बी और सी पॉइंट पर बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पोजिशन क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन एक्स का स्क्वायर, क्योंकि यहां से तक हम मानते हैं एक्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी पोजिशन अभी भी जीरो होगा, क्योंकि कंडक्टर के अंदर का पॉइंट है, कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी पॉइंट पर हम बात करेंगे इसके अंदर में नेट चार्ज कितना है, इसके अंदर नेट चार्ज कितना, ये तो खत्म हो गया, बचा क्यू प्लस में क्यू, तो के क्यू प्लस में क्यू अपॉन एक्स का स्क्वायर, दैट्स इट, कॉपी करो। कुछ नहीं किए हैं, बस एक गॉस लॉ भी लगा दिए हैं, ये सब चीज तो समझ में आना चाहिए। और यहां पर बाहर से चार्ज को लेके आए हैं तो उसका भी तो कंट्रीब्यूशन होगा ही, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे लिखा गया, ठीक है, कॉपी करो जल्दी से। ये वीडियो शूट करने में दिमाग खराब हो गया एकदम, तुम लोगों को नहीं पता चलेगा, हम दो बार लाइन कट चुका है। चलो ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग खत्म कर लिया है और अर्थिंग के बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए हैं, है ना। अर्थिंग क्या होता है, तो अर्थ से अगर हम लोग किसी भी एक मेटल कंडक्टर को, है ना, ऐसे एक मेटल कंडक्टर है और इसको अगर हम इस तरह से करके अर्थ से कनेक्ट कर देंगे तो हम इस प्रोसेस को ही कहते हैं अर्थिंग, ठीक है, सिंपल सी बात है। लेकिन अर्थिंग को समझने के पहले कुछ बात को दिमाग में रख लेते हैं पहले, कि हमारा जो अर्थ है ये कैसा है। अर्थ बहुत बड़ा है, एज्यूम करो, है ना, अर्थ बहुत बड़ा है भाई, अगर अर्थ बहुत बड़ा है, एक सेकंड, हाँ, अगर अर्थ बहुत बड़ा है, इसका रेडियस कितना है, 6400 किलोमीटर के आसपास में आ रहा है, और सपोज करो कि हम इसके ऊपर कुछ क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज इसके ऊपर प्लेस कर देते हैं, तब बताओ इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल क्या लिखोगे, क्यू अपॉन, यानी के क्यू अपॉन आर लिखोगे इसके सरफेस का पोटेंशियल। अगर हम मान लें कि अर्थ बहुत बड़ा सा बॉडी है, उसके ऊपर हमें चार्ज रख रहा है, तो उसका सरफेस पर का पोटेंशियल तो यही लिखोगे ना, और आर का वैल्यू अगर 6400 यहां पर पुट कर दे, क्यू हमारा मान लो कि एक, मतलब कुछ माइक्रो कूलम्ब का चार्ज है, ज्यादा नहीं है, ठीक है, तो सोच के देखो ये कितना बड़ा है, है ना, अगर ये बहुत बड़ा हो जाएगा तो पोटेंशियल बहुत छोटा हो जाएगा, आर बहुत बड़ा है एज कंपेयर, 6400 किलोमीटर है, इससे अगर किसी को डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट, है ना, आर
ये जो भी जो है ये हमारा अप्रोच कर जाएगा जीरो को, है ना। तो अगर हम बोले कि बहुत छोटा अमाउंट ऑफ चार्ज अगर हम इसमें इंसर्ट कर दें या फिर इसमें से हम ले भी लें, है ना, कुछ इलेक्ट्रॉन को हम इसमें से निकाल ले या फिर कुछ 10-15 इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दे, तो कोई बहुत बड़ा पोटेंशियल चेंज नहीं आ जाएगा अर्थ का। इसीलिए हम यहां पर पहला बात एज्यूम करेंगे, है ना, यहां पर एज्यूम करेंगे पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज टेकन एज जीरो, ठीक है। पहला बात तो ये समझ लो। सेकेंड बात हम क्या एज्यूम करेंगे अर्थ के मामले में, हम अर्थ को कहेंगे बहुत बड़ा सिंक है या फिर सोर्स है, इट इज वेरी बिग सिंक और सोर्स ऑफ चार्ज, ठीक है, क्योंकि इसका पोटेंशियल हम एज्यूम करके रखेंगे हर समय ही जीरो रहेगा चाहे चार्ज ले या दे, ठीक है। तो इसमें से हम कितनों चार्ज निकाल लें या फिर कितना भी डाल देंगे तब भी इसका पोटेंशियल जीरो ही रहेगा, क्योंकि डालोगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा तब भी पोटेंशियल थोड़ा चेंज करेगा, हम उसको मान लेते हैं रिफरेंस के रूप में हम जीरो मानेंगे। यानी कि अभी से हम लोग यह समझ में आ गया कि अर्थ जो है उसका पोटेंशियल जीरो मान के रखेंगे, ठीक है, अर्थ का पोटेंशियल हम जीरो मान करके रखेंगे यहां पर। तो अगर हम किसी भी मेटल कंडक्टर को किसी भी एक यही एक कंडक्टिंग बॉडी है, ठीक है, इसके ऊपर हम एज्यूम कर लेते हैं कि चार्ज हमने इस तरह से करके रखा हुआ था, ठीक है। अब ये ऐसे था तो चार्ज है इसके पास प्लस क्यू चार्ज है, लेकिन जैसे ही हम इसको अर्थ से कनेक्ट करेंगे ये क्या करेगा, अर्थ का पोटेंशियल है जीरो, ये चाहेगा भाई इससे कनेक्टेड हर एक चीज का पोटेंशियल जीरो हो जाए, यानी कि सरफेस का भी पोटेंशियल हो जाएगा जीरो। और अगर सरफेस का पोटेंशियल जीरो होना है तब हम ये कह सकते हैं कि इसका चार्ज जितना भी है सबका सब अर्थ में जाना पड़ेगा। कोई दिक्कत है, समझ में आया बात, फिर सुनना मेरी बात को। जैसे ही हमने अर्थ से कनेक्ट किया इस मेटल कंडक्टर को तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि अर्थ का पोटेंशियल है जीरो, तो वो चाहेगा कि इस मेटल कंडक्टर का, क्योंकि ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जीरो है, जो भी चार्ज था इसके सरफेस पर सारा चार्ज अंदर चला जाएगा, क्योंकि चार्ज ही नहीं हुआ तो पोटेंशियल बनाएगा कौन, तो सारा चार्ज अंदर चला जाएगा यहां पर। तो पहली बात तो यहां पर एक बात दिमाग में बैठा लो कि जब भी हम मेटल कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो उसका पोटेंशियल जीरो कर देंगे, जिसका हम क्या कर देंगे, पोटेंशियल जीरो कर देंगे। इससे रोके, समझ में आ रही मेरी बात, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, ठीक है, चलो ठीक, लिख लो, है ना, लिख लो छोटा सा नोट, वैसे आ ही रहा होगा, है ना। व्हेन एवर अ मेटल कंडक्टर, है ना, मेटल कंडक्टर इज कनेक्टेड टू द अर्थ देन इट्स पोटेंशियल बिकम्स जीरो, है ना, पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, ना कि यहां पर इसका चार्ज जीरो होगा, चार्ज नहीं जीरो करना है, हो जाए तो अच्छी बात, जैसे इस कंडीशन में चार्ज तो जीरो हो चुका था, क्योंकि जैसे हम अर्थ करेंगे सारा का सारा चार्ज अर्थ में इन खत्म हो जाएगा, सारा चार्ज अर्थ में चला जाएगा, क्योंकि उसको करना है इसका पोटेंशियल जीरो, ठीक है। लेकिन हाँ, हर केस में नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं ना, अभी देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कब होगा नहीं होगा उसी सब के ऊपर तो बात करेंगे, ठीक है। पहले यहां तक कॉपी कर लो जल्दी से, अर्थिंग कुछ नहीं है, बस अर्थ से कनेक्ट कर देगा एक मेटल कंडक्टर को, तो वो चार्ज मतलब उस पूरे मेटल कंडक्टर का पोटेंशियल जीरो कर देगा, ठीक है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, है ना, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, ठीक है, बिटवीन स्फेयर्स, ठीक है। तो सपोज करना है मेरे पास एक स्फेयर है ये, और एक और स्फेयर है ये, ठीक है, और ये वाला कॉन्सेप्ट का हम आगे जाकर के यूज करेंगे वेंडी ग्राफ जनरेटर को समझने के लिए। तो मान लेते हैं इसका रेडियस है R1 और इसका रेडियस है मान लेते हैं R2 कह दे रहा है, और इसके ऊपर हमने चार्ज दिया है Q1, इसका चार्ज दिया है Q2,
ठीक है, ऐसे है, हम दोनों के ऊपर चार्ज दे दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, किसका पोटेंशियल कितना होगा, इसके सरफेस का पोटेंशियल बता दो। शुरुआत में जब हम कहेंगे V1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका पहला वाला क्या लिखोगे, K, इसका चार्ज है Q1, है ना, अपॉन R1, इसमें कोई तकलीफ नहीं होगा। V2 का वैल्यू क्या लिखोगे, इसके लिए K Q2 अपॉन R2, एकदम आसान है, स्क्वायर नहीं कर ले रहे, R2 है, इज इट ओके। अब हमने क्या किया इस वाले कंडीशन में, हम अब क्या कर रहे हैं, ये स्टेप या कंडीशन कह सकते हो या फिर इनिशियली कह सकते हैं, इनिशियल स्टेज है। और फाइनली हम क्या किए हैं यहां पर, इस दोनों को एक मेटल वायर से जोड़ दिए, है ना, मेटल वायर से इसे कनेक्ट कर दिए। तो कनेक्शन जैसे ही मेटल वायर से होगा, ठीक है, तो चलो यहां से एक और नया पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। दो अभी पॉइंट सीखे, अर्थिंग का और एक दूसरा, दोनों का यूज करके अच्छे अच्छे चीजों को यूज करेंगे। अगर जैसे ही हमने मेटल वायर से कनेक्ट किया है तो चार्ज का फ्लो होना स्टार्ट होगा, और चार्ज हम जानते हैं कि हर समय हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। तो पहला बात बताओ कि R2 अगर बड़ा है तो V2 छोटा हो जाएगा, क्योंकि R2 बड़ा है तो एज कंपेयर टू R1, हम अगर बड़ा से दिखा रहे हैं तो यानी कि V2 हमारा छोटा है, साफ दिख रहा है यहां पर से V2 जो है वो लेसर है V1 से, यानी कि इसका पोटेंशियल ज्यादा है और इसका पोटेंशियल कम है। ये है हिंदुस्तान पेट्रोलियम और यह लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सॉरी एचपी और एलपी, मतलब हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल। जैसे ही हम इनको कनेक्ट करेंगे वायर से तो क्या हो जाएगा कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, इस तरह से करके चार्ज फ्लो करने लगेगा, और चार्ज तब तक फ्लो करते रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। सुन लो मेरी बात को ध्यान से, तब तक चार्ज का फ्लो होते रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। हम यहां पर यह नहीं कहेंगे कि उसका जो है चार्ज सेम नहीं करना, कभी भी नहीं, चार्ज सेम नहीं होता है, पोटेंशियल सेम होता है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, चार्ज ऑलवेज फ्लोस फ्रॉम एचपी टू एलपी, ठीक है, अंटिल, है ना, अंटिल लिखे रहे, अंटिल पोटेंशियल बिकम्स इक्वल, ठीक है। ये सारा चीज वैसे भी स्क्रीन पर आ ही रहा होगा, बस हम लिख भी दे रहे हैं ताकि तुम लोगों को थोड़ा कनेक्शन में आ जाए बात, है ना। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारा पोटेंशियल सेम हो जाएगा बाद में, मान लेते दोनों का इक्वल है ना, कॉमन पोटेंशियल वी नॉट हो गया, लेट कर लेते हैं ना, लेट कर लेते हैं, वी नॉट इज द कॉमन पोटेंशियल, है ना, आफ्टर सम टाइम। अगर कॉमन पोटेंशियल हो चुका है तो हम इसका मान लेते हैं इसके ऊपर चार्ज जो है वो इस पे क्यू आ चुका है, है ना, क्यू वन डैश आ चुका है, और इस पर चार्ज क्यू टू डैश आ चुका है, इसका रेडियस में चेंज नहीं आया है, आर टू है, तो पोटेंशियल को अभी फिर से बराबर कर देते हैं। तो वी नॉट का वैल्यू क्या लिखोगे, के, इसका चार्ज क्या लिखोगे, अभी क्यू वन डैश अपॉन आर वन, बराबर हो जाएगा तब उसका भी पोटेंशियल, के क्यू टू डैश अपॉन आर टू। क्यों हम Q1 डैश लिखे हैं, साफ दिख रहा होगा इसमें से कुछ चार्ज उधर जाएगा तो Q1 डैश जो होगा वो Q1 से कम होगा, अरे बस इसमें से कुछ चार्ज तो निकल कर उधर चला गया, और Q2 अब ज्यादा होगा एज कंपेयर टू Q1 क्योंकि इसमें इंटर किया है कुछ ना कुछ चार्ज, अरे बस तो बाद में कुछ मेंटेन हुआ है और बाद में दोनों का पोटेंशियल सेम हो चुका है, के से के खत्म हो गया तो क्यू वन बाय आर वन वगैरह दिख रहा है। क्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं कि सिग्मा अपॉन सिग्मा इंटू एरिया लिख सकते हैं, चार्ज का वैल्यू सिग्मा इंटू एरिया, यहाँ क्या लिखेंगे सिग्मा वन इंटू फोर पाई आर वन का होल स्क्वायर, लिख सकते हो सिग्मा इंटू इसका एरिया अपॉन आर वन इज इक्वल टू सिग्मा टू इंटू फोर पाई आर टू का होल स्क्वायर अपॉन आर टू। तो इसका एरिया फोर पाई आर टू का होल स्क्वायर, रेडियस है आर टू, आर टू से आर टू खत्म हो गया, फोर पाई से यहाँ फोर पाई खत्म हो गया, आर वन से आर वन खत्म हो गया, तो सिग्मा वन आर वन इक्वल टू सिग्मा टू आर टू, दिख रहा है क्या, और ये चीज हमारा कांस्टेंट आ रहा है। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं कि सिग्मा इनटू आर जो है वो हमारा कांस्टेंट आ रहा है, इसके लिए हम लिख सकते हैं सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है। अरे यही तो हम लोग सीखते आए हैं उतना दिन से, पहले लेक्चर से ही ये बात करते आए हैं कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन उस तरह से होगा जहां पर कि सिग्मा सॉरी आर अगर बड़ा होगा तो सिग्मा कम होगा, आर छोटा है
तो सिग्मा ज्यादा होगा, ये ना सिखाए थे, उसका एक छोटा सा ये बात भी हो गया। कॉपी कर लो, कुछ नहीं किए, एक मेटल कंडक्टर से दो स्फीयर को कनेक्ट कर दिए हैं, तो हम ये बोल रहे हैं कि बाद में दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है। कॉपी भी करते रहो, है ना, मेरा बातें सुनते रहो, कॉपी भी करते रहो, हाँ चलते रहना चाहिए, बस जिंदगी यही है, ठीक है। तो अगर दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया है वायर से, तो दोनों का पोटेंशियल को हमने बाद में सेम कर दिया, इसका पोटेंशियल हो जाएगा कि इसमें से कुछ चार्ज तो कम होगा। अच्छा हम वो चार्ज मान लेते हैं कि इसमें से कुछ क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज का फ्लो हो चुका है, तो हम इसके बारे में कुछ अब बात कर सकते हैं कि भाई ये जो Q1 में से Q घटा होगा तभी Q1 डैश आया होगा, पहला इक्वेशन तो ये बना सकते हैं क्या, और सेकंड इक्वेशन क्या बना सकते हैं, Q2 में से Q को जोड़े होंगे तभी Q2 डैश बना होगा, ये दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। तो कुछ हम इस तरह से और भी चीजों को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है ना, इसमें से Q ही ना ऐड होगा इधर, कोई दिक्कत, छाप लो, यही था अभी तक। अब कुछ सवाल देखते हैं, है ना। आज ज्यादा सवाल नहीं करेंगे, बस एक दो सवाल को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में ज्यादा सवाल करेंगे, आज तो बस दो तीन सवाल देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि समय भी बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, वीडियो लंबा खींचा जाएगा फिर। तो सपोज करते हैं कि यहाँ पर एक मेटल कंडक्टर है, ये एक मेटल कंडक्टर है ना, सेल है। अगर सपोज करें इसे सेंटर पर हमने प्लस क्यू चार्ज रखा है, प्लस क्यू चार्ज इसके सेंटर पर रखा है, तो हम जानते हैं कि आफ्टर रीडिस्ट्रिब्यूट, पहले हम की को क्लोज नहीं किए, पहली बात दिमाग में रख लो, ठीक है। तो दो पिक्चर बना लेते हैं हम, पहला लिख लेते हैं कि बिफोर अर्थिंग, है ना, बिफोर अर्थिंग हम ये बनाते हैं, तो क्वेश्चन हो गया ना हमारा, बिफोर अर्थिंग कैसा दिखेगा हम वो बना लेते हैं। अर्थिंग जैसे नहीं हुआ था, याद करो अभी अभी शील्डिंग सीखे, तो अगर सेंटर पर चार्ज प्लस क्यू होता है, इसके अंदर वाले में यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज आता है और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज आ जाता है, ये तो पढ़ चुके हैं अभी तक शील्डिंग इफेक्ट में, कि सेंटर पर अगर प्लस क्यू चार्ज आ गया तो ये क्या करता है, अंदर वाले में यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस बना लेंगे, और गॉसियन सरफेस बनाते ही हम अंदर में कहेंगे कि नेट चार्ज हमारा जीरो है, और नेट चार्ज जीरो है तो यहाँ पर अगर प्लस क्यू है तो यहाँ पर माइनस क्यू आना पड़ेगा, तभी यहाँ पर जीरो होगा, और अगर यहाँ माइनस क्यू आता है तो इसका भी नेट चार्ज जीरो होना चाहिए, क्योंकि ये भी मेटल कंडक्टर है और अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो है, उसके लिए यहाँ पर प्लस क्यू बनना पड़ेगा। इतना हम लोग सीख चुके हैं, ये हो गया बिफोर अर्थिंग। आफ्टर अर्थिंग क्या हुआ होगा, आफ्टर अर्थिंग, अर्थिंग करने के बाद क्या हुआ होगा, अर्थ हम यहां से कर दिए हैं इसको, ठीक है। आफ्टर अर्थिंग हमको पता है पोटेंशियल ऑफ मेटल कंडक्टर इक्वल टू जीरो, जिससे हम अर्थ कनेक्ट किए हैं उसका पोटेंशियल हो जाएगा जीरो। अब यहां पर तो भाई चार्ज है, शुरुआत में मान लेते हैं कि अगर हम बोले कि यहां पर भी पोटेंशियल है कितना, तो हम निकाल लें क्या इनिशियली, है ना, भी इनिशियल कितना है, देखो तो भाई यहां पर कौन कौन पोटेंशियल बनाएगा, ये चार्ज बनाएगा, ये चार्ज बनाएगा और ये चार्ज बनाएगा, इसके रेडियस मानते आ रहे हैं, है ना, तो तीनों बनाएगा, तो क्या लिखोगे, इसके कारण यहां पर पोटेंशियल के क्यू अपॉन आर, क्योंकि ये बहुत थिन है, ये याद रखना, ये थिकनेस हम बार बार नहीं लेते हैं, ठीक है ना, तो के क्यू अपॉन आर हो गया। यहां पर माइनस क्यू चार्ज है, इसके लिखेंगे के क्यू अपॉन आर, और सरफेस पर है के क्यू अपॉन आर, ये शुरुआत है, पोटेंशियल बनना चाहिए था, ठीक है, तो साफ दिख रहा है कि दोनों खत्म हो रहा है, तो ये हो गया के क्यू अपॉन आर, शुरुआत का पोटेंशियल है, यानी कि पोटेंशियल अभी इसका है, इसको जीरो करना है, इसको हम एज्यूम करते हैं कि अर्थ ने इसके ऊपर, इसके सरफेस पर कुछ एक्स अमाउंट ऑफ चार्ज सप्लाई कर दिया है, या फिर सप्लाई नहीं किया, मान लेते हैं इसके आफ्टर अर्थिंग इसके ऊपर चार्ज एक्स आ चुका है, हम अभी बाद में देखेंगे कि इसने कितना सप्लाई वगैरह किया, ठीक है, हम मान लेते हैं, है ना, लेट कर लेते हैं, आफ्टर अर्थिंग चार्ज ऑन आउटर स्फीयर, आउटर स्फीयर इक्वल टू एक्स, हमने मान लिया कि आउटर स्फीयर के ऊपर चार्ज हमारा एक्स है, और यही है, जा देखो कहां भाग गया, मिल नहीं रहा, चलो ठीक है, नहीं मिल गया, मैं देखो आगे में ही था, ठीक है, क्या खोज रहे थे, इंक, चलो ठीक। तो अगर हम बोले
कि चार्ज अभी अब अगर आ चुका है तो कहेंगे बाद में पोटेंशियल हमारा जीरो होना चाहिए, तो बाद में जो हमारा Vf बनेगा ड्यू टू दीज ऑल कनेक्शन, अभी यहां पर x है, इसको तो कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला क्योंकि हम जानते हैं किसने कुछ भी करना है तो अंदर वाले के कॉम्बिनेशन को तो हिला भी नहीं पाएगा, ये तो सीख चुके हैं पहले से ही। यहां पर भले कुछ आ गया x उक्स है ना, बाद में हम मान लेते हैं इसके ऊपर x आया है, अर्थ ने कुछ सप्लाई किया या फिर अर्थ ने इसके कुछ चार्ज खींच लिया, बाद में इसके ऊपर x अभी दिख रहा है, ठीक है, तब हम पोटेंशियल क्या लिखेंगे, अभी के q अपॉन r माइनस में के q अपॉन r, इसके कारण इसके सरफेस पर पोटेंशियल के q अपॉन r ही ना रेडियस है, माइनस में के q अपॉन r प्लस में के x अपॉन r रहेगा, है ना, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज x अमाउंट ऑफ क्या होना चाहिए जीरो, फाइनली पोटेंशियल क्या होना चाहिए जीरो, तो साफ दिख रहा है कि ये दोनों तो खत्म हो गया, तो के एक्स अपॉन आर का वैल्यू क्या जीरो, एक्स का वैल्यू क्या जीरो, इसका मतलब आफ्टर अर्थिंग एक्स है ही नहीं, यानी कि बाहर में चार्ज नहीं है, ठीक है, पहला बात समझ में आया। अब सवाल ये था कि फाइंड द चार्ज सप्लाइड बाय द अर्थ, अरे भाई अब अर्थ इस पे तो चार्ज था प्लस क्यू, तो अर्थ ने क्या किया, हम मान लेते हैं कि अर्थ ने कुछ क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज इसने सप्लाई किया, अर्थ ने कुछ q अमाउंट ऑफ चार्ज सप्लाई किया, तो लेट कर लेते हैं q अमाउंट ऑफ चार्ज इज सप्लाइड है ना बाय अर्थ, है ना, ऐसा कुछ हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे कि भाई अर्थ ने भी q दिया, पहले से भी q था, अर्थ ने q दिया पहले से ही q था, दोनों मिलकर के ही ना x हुआ था, बाद में हम क्या बोल रहे थे इसके ऊपर चार्ज कितना x को कैसे बना रहे हैं, एक एक स्टेप देख लो ध्यान से, तो ये हमारे पास जो ये अर्थ ने सप्लाई किया है ये चार्ज का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस में q, क्योंकि x का वैल्यू जीरो है, तो अर्थ ने कितना सप्लाई किया चार्ज माइनस q, सवाल के वर्ड को पढ़ना है सप्लाइड बाय द अर्थ, अगर यही सवाल होता कि अर्थ ने कितना एब्जॉर्ब कर लिया है तो हम q को अंदर डाल रहे होते, तो q माइनस q लिख रहे होते, तो हमारे पास प्लस q अमाउंट ऑफ चार्ज अर्थ ने एब्जॉर्ब कर लिया है, इज इट ओके, समझ में आ गया मेरा बात, फिर सुनो हमने क्या क्या किया इस सवाल में, तो बहुत बेसिक लेवल का सवाल स्टार्ट किए हैं कि अभी हमारे पास एक मेटल कंडक्टर था, ये एक मेटल कंडक्टर है ना, इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा यहां पर जीरो, और हम कह रहे हैं कि इसके सेंटर पर कुछ हमने चार्ज क्यू रख दिया है ना, बस इतना ही शुरुआत में यही था, और हमने क्यू और अर्थ से कनेक्शन करने के लिए कुछ ऐसा डिजाइन वगैरह तैयार कर लिया था, अर्थ कनेक्ट नहीं किए थे, तभी जब हमने अर्थ को कनेक्ट किया तब पूछ रहा है कि अर्थ ने कितना चार्ज सप्लाई किया ताकि इसका पोटेंशियल जीरो हो पाए, है ना, ये सवाल तो ये बनेगा पूरा कि भाई अर्थ सप्लाई क्यों करेगा, ताकि उसका पोटेंशियल जीरो हो पाए, दैट्स इट, तो हमने भाई शुरुआत ये कोई काम का नहीं था, बस हमको को दिखा रहे थे कितना शुरुआत में है पोटेंशियल, उसको जीरो करना है, इसलिए अर्थ ने कुछ सप्लाई किया है चार्ज, ये नहीं कि पकड़ इसे जीरो कर देना, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, तो बाद में कुछ अर्थ ने सप्लाई किया है उसके कारण जो पोटेंशियल बनेगा उसको जीरो कर देना, एक्स का वैल्यू आ गया, ठीक है, कॉपी कर लो जल्दी से, ये एक मेटल कंडक्टर दिख रहा है, मेटल कंडक्टर दिख रहा है, और इस बार इसमें चार्ज नहीं रखे है ना, ये अनचार्ज है इनिशियली, बाहर में हमने यहां पर चार्ज किसी एक्स डिस्टेंस पर रख दिया है, ठीक है, और हम इसको अर्थ करेंगे, तो बताओ कि अर्थ ने कितना चार्ज वगैरह दिया है इसको, ठीक है, यही यहां पर सवाल दिख रहा है, एक काम कर दे, हमको पता है अर्थ क्या करेगा, इसको पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल जीरो कर देगा, है ना, इसका पोटेंशियल जीरो कर देगा, इसका जब पोटेंशियल जीरो करेगा, इसका पोटेंशियल देखो, इसका पोटेंशियल कभी भी जीरो हो सकता है क्या, पॉसिबल है, इसके सेंटर का पोटेंशियल, इसके सेंटर का पोटेंशियल क्या लिखोगे भाई, क्योंकि यही चार्ज है, इस पर चार्ज है ही नहीं, तो इनिशियली क्या लिखोगे, के क्यू अपॉन एक्स लिख दोगे, यही लिखोगे, और तो कोई उपाय है नहीं, ठीक है, बाद में क्या होगा, जैसे अर्थ कनेक्ट करेंगे, है ना, अर्थ वाले को हमने इसको कनेक्ट कर दिया, इसने कुछ ना कुछ इसके ऊपर चार्ज सप्लाई कर दिया क्यू, है ना, या फिर इसके ऊपर चार्ज आ चुका है, इसके ऊपर चार्ज कुछ आ चुका है क्यू,
और यहां पर हमारे पास प्लस क्यू चार्ज यहां पर दिख रहा है, ठीक है, किसी एक्स डिस्टेंस पर। अब कह देंगे क्योंकि इसका रेडियस आर है, ठीक है, अब क्या कह देंगे, इस जो भी चार्ज यहां बना है, ठीक है, यहां पर जो भी इसने अर्थ ने सप्लाई ही किया होगा क्योंकि ये तो आया नहीं है कहीं से, नेट चार्ज हमको यहां पर दिख रहा है, तो अब हम कह देंगे कि भाई इसके कारण जो भी पोटेंशियल बना है वो हमारा जीरो हो जाएगा। तो फाइनली जो पोटेंशियल बन रहा है उसे क्या लिख सकते हैं, के इससे सेंटर पर पोटेंशियल लिख रहा है, ठीक है, के क्यू अपॉन एक्स प्लस में के क्यू अपॉन इसके सरफेस के ऊपर का पोटेंशियल जो होगा वही से सेंटर पर का पोटेंशियल होगा, तो के क्यू अपॉन आर का वैल्यू जो भी बनेगा वो हमारा जीरो हो जाएगा। नहीं आ रहा समझ में, इसके सरफेस पर का जो पोटेंशियल होगा वही इसके सेंटर का भी पोटेंशियल लिखाएगा, तो वही लिखते के क्यू अपॉन आर, ठीक है। ये तो मेटल कंडक्टर के बारे में हमको पता है, क्योंकि हमको पता है मेटल कंडक्टर के हर जगह पे हमारा कांस्टेंट होता है ना, इनसाइड है ना, अंदर में, ठीक है। तो अब यहां से हम क्यू का वैल्यू निकाल सकते हैं, इसके सरफेस पर कितना चार्ज है, तो यहां से देखो के से के खत्म हो गया क्या, तो क्यू अपॉन आर का वैल्यू क्या दिख रहा है, माइनस में क्यू अपॉन एक्स दिख रहा है, तो क्यू का वैल्यू क्या दिख रहा है, क्यू आर अपॉन एक्स लेकिन माइनस में। क्या इतना ही चार्ज, क्योंकि पहले चार्ज था नहीं, तो इतना चार्ज सप्लाई हुआ है क्या, दिस इज चार्ज सप्लाइड है ना बाय अर्थ, एकदम पहले से काम किए हैं, कुछ नया काम नहीं किया भाई, इनिशियली हमको पता था इतना पोटेंशियल है, तो बाद में इसने अर्थ ने कुछ ना कुछ क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज ला के रख दिया है इसके ऊपर, क्योंकि शुरुआत में चार्ज ही नहीं था, तो जो भी चार्ज है वो अर्थ ने ही दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो हम क्यू का वैल्यू निकाल पा रहे हैं। यहां से हम एक चीज और यूज कर रहे हैं, यहां पर मान लेते हैं कि इस चार्ज को किसी भी वेलोसिटी से हम नजदीक लेकर के आए, तो नजदीक लेकर के आ जाते हैं ना, लेट कर लेते हैं चार्ज क्यू इज मूविंग विथ वेलोसिटी वी, जो कि हो जाएगा हमारा dx अपॉन dt हो जाएगा, v का वैल्यू क्या लिखोगे, dx अपॉन dt लिखोगे है ना, v का वैल्यू, अगर ये v का वैल्यू dx अपॉन dt आ रहा है यहां पर, तो हम ये क्या कहते हैं, जैसे जैसे नजदीक आते जाएगा इसका पोटेंशियल बढ़ते जाएगा, x घट जाएगा, ये देखो ये नजदीक आ रहा है, x घटेगा, x घटेगा तो इसका पोटेंशियल भी बढ़ेगा, और x का पोटेंशियल बढ़ेगा तो इसको भी चार्ज और सप्लाई करना पड़ेगा जिससे कि इसका पोटेंशियल जीरो हो पाए, क्योंकि सप्लाई किया ही था ना ताकि जीरो हो पाए, तो ये जितना नजदीक आएगा इसका और पोटेंशियल बढ़ेगा, उस पोटेंशियल को घटाने के लिए और चार्ज सप्लाई करेगा, तो हम यहां से ऑब्जर्व कर सकते हैं सप्लाई चेन दिखेगा, वो करेंट दिखेगा यहां पर, और जो करेंट होगा वो dq / dt हो जाएगा है ना, हेंस वी ऑब्जर्व करेंट है ना I इक्वल टू dq / dt, तो d / dt तो दिख रहा है क्योंकि I का वैल्यू dq / dt होता है, तो q तो हमको पता है ना, लिख लो माइनस में qr / x है ना, देखो माइनस में qr / x सॉल्व करेंगे तो यहां से हमको दिख रहा है माइनस में qr, अब 1 / x का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा है ना, 1 / x का डिफरेंशिएशन करोगे क्या हो जाएगा, माइनस में 1 / x का स्क्वायर है ना, और फिर x का डिफरेंशिएशन करेंगे dx / dt, देखो यहां पर 1 / x का डिफरेंशिएशन किए हैं तो माइनस 1 / x का स्क्वायर हो जाता है, इसको कर लेना डिफरेंशिएट, क्योंकि x का पावर ऊपर जाएगा माइनस 1, तो फिर n x n माइनस 1 से हम इसको यहां से लेके आ सकते हैं, और dx / dt क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा, तो साफ दिख रहा है यहां से qr / x का स्क्वायर * वेलोसिटी, जो कि हो जाएगा यहां से करंट सप्लाइड बाय द अर्थ। ये तो एक डेमो न्यूमेरिकल था समझ लो, क्योंकि इसके आगे बहुत सारे न्यूमेरिकल है और पीडीएफ में हम अवेलेबल करवा दिए हैं, ठीक है अब तक तो ठीक है सबको मिल चुका है पीडीएफ, पीडीएफ में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस दिख रहे हैं हमको आगे, ठीक है बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है सेल पर है, फिर रॉड के ऊपर है ना, तो इन सारे सवाल को करते हैं और फिर मिलते हैं, बस आज भर के लिए इतना ही, मजे करो ठीक है, और थोड़ा कॉन्सेप्ट को पढ़ लो, देखो आज दो ही चीज सीखे, शील्डिंग अर्थिंग, नहीं समझ में आया रिवाइंड करो देखो जैसे भी है ना,
अर्थिंग में बस पोटेंशियल को जीरो करना था, और शील्डिंग में क्या होता है कि अंदर के चार्ज के कारण डिस्ट्रीब्यूशन हमको दिखता है ना बाहर में, और बाहर के चार्ज का कोई इफेक्ट अंदर वाले में नहीं दिखता है। बस ये छोटा छोटा चीज था, मिलते हैं, ओके बाय।